अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मास्टर है और मैं आपको आज इंटरनेट स्कैम्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पे एज एग्जांपल यूज कर रहा हूँ लू को, क्योंकि मोस्टली इधर से ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जब आप गूगल ओपन करेंगे ब्राउजर के ऊपर, किसी भी ब्राउजर पे, चाहे वो एज हो, गूगल क्रोम हो, मोजिला हो या कोई और ब्राउजर हो, तो आप उस पे गूगल पे जाके जब google.com खोलेंगे और लिखेंगे डू मोबाइल रिचार्ज, तो ये जो है ये मुख्तलफ हो सकता है। मैं अभी यूएई में हूँ तो मैं डू कह रहा हूँ। आप किसी और मुल्क में होंगे तो उसके लिहाज से जो भी होगा उनका, प्रीपेड वालों का। तो आप जब से रिचार्ज करके लिख के एंटर करेंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस देगा, और सबसे जो टॉप पे होती हैं वो दो होती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो ये पहले वाली है, ये डू की है, क्योंकि आप देख रहे हैं https shop.do.ae प्रीपेड। तो ये उनकी ऑथेंटिक है, सिक्योर्ड है, इस पे आप करेंगे तो आपको कोई स्कैम नहीं होगा। नीचे आप देखेंगे तो लिखा डू रिचार्ज है, डू रिचार्ज ऑनलाइन, लेकिन आप वेबसाइट पर गौर करेंगे तो ये https://www.asfuturo.com समथिंग। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले मैंने ये ओपन किया हुआ था, मैंने क्लोज कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये जो है फेक है उसको ओपन करता हूँ। राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब। ओके, तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली आपको सेम पेज देगा। और मैं अभी आपको दूसरा जो इनका ऑफिशियल है वो भी ओपन करके दिखाता हूँ। न्यू टैब में देख रहे हैं आप, इधर भी ऊपर लिखा हुआ है डू माई अकाउंट, इधर भी ऊपर लिखा हुआ है डू माई अकाउंट। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ, एक सेकेंड, देखेंगे तो माई अकाउंट डॉट डू डॉट ए, जबकि आप इधर करेंगे तो इधर आएगा माई अकाउंट हाइफन डू हाइफन ए। आप देखें इनकी लुक एंड फील एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं। इधर भी आप देखेंगे लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम। तो आप यहाँ पे इसका जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दें, 05। ये मैं ऐसे एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये नीचे इसकी ऑप्शन देगा कौन सा आपने रिचार्ज करना। तो ये जस्ट आपको ऑप्शन दे रहा है, एक्चुअली ये जो ये अमाउंट शो कर रहा है आपने एक सेलेक्ट करनी है और कार्ड नंबर डालने। ठीक है, ये मैंने एक ऐसे गलत नंबर डाला है तभी वो आपको इनवैलिड दे रहा है, क्योंकि इन्होंने पीछे जो इसके प्रोग्रामिंग की हुई है उससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा कार्ड है और कौन सा नहीं है। तो मैं ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो नाम भी मैं ऐसे ही लिखूंगा और कार्ड एक्सपायरी ऐसे। तो मैं इसे जब सबमिट करूंगा रिचार्ज नाउ, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जब आप इस पे अपनी अथेंटिकेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये रिचार्ज पे जाएगा और ओटीपी पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा ओटीपी पे, वहां से आपको ये ओटीपी मांगेगा। ओटीपी जो होता है वन टाइम पासवर्ड होता है, जो कि आपके बैंक की तरफ से जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है उस पर मैसेज आता है, उसमें एक पासवर्ड होता है वो आपने डालना है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन सारी दे दी, CVC, ये इसका कोड होता है जो आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, और जो लास्ट होती है वो ओटीपी होती है, वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही आपने वो एंटर किया तो ये जो वेबसाइट है ये फेक वेबसाइट है, ये बैक एंड पे उन्होंने कोई और ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अलाइन की हुई होती है। तो जैसे ही आप उसे ओटीपी एंटर करके हिट करेंगे, एंटर हिट करेंगे, तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, इट विल स्टे देयर। और आप कहेंगे यार व्हाट इज, क्या हो रहा है, आप फिर दोबारा करते रहेंगे, लेकिन विद इन 30 सेकेंड्स और समटाइम 1 मिनट में
आपको एक डिडक्शन मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि फलां